Good morning students, welcome back to our second part of class 7th English. We were reading chapter number 7 which was titled as The Invention of Vita Wonk. So this chapter is an excerpt from a story book which is Charlie and the Great Glass Elevator. Alright, I, Shweta Somra, am your English teacher and today we will discuss this chapter as well as the second part of this chapter. आप लोगों को ध्यान है हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? ये वीटा वोंक नाम की चीज़ जो है ये आखिर में है क्या? हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि एक कोई इन्वेंटर थे, एक कोई खोज करने वाले आदमी थे जिनका नाम था मिस्टर विली वोंका. डू यू रिमेंबर दिस? मिस्टर विली वोंका वॉज एन इन्वेंटर. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक चीज़ की खोज की थी जिसको पी के लोग छोटे हो जाते थे अपनी उम्र से. ऑलराइट, ही मेड समथिंग, ही इन्वेंटेड समथिंग बाय ड्रिंकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग विच वॉज नेम्ड एज वोंका-वाइट. पीपल यूज्ड टू ग्रो यंगर. ठीक है, उसकी एक सिप पीते ही लोग जवान हो जाते थे. बट दैट वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. पर वो जो चीज़ थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी. स्ट्रॉन्ग कैसे बेटा? स्ट्रॉन्ग ऐसे थी कि उसकी थोड़ी सी ड्रॉप्स पीते ही इंसान की उम्र कई बार माइनस में भी चली जाती थी, है ना. एंड पीपल यूज टू बिकम इवन ऑफ माइनस ईयर्स ऑफ एज. And there was an example in the part that a man became minus 87 years of his age. Now he will take at least 87 years to come back to this world, है ना. उसको अब 87 years लगेंगे इस दुनिया में वापस आने के लिए. So according to that particular situation, Mr. Willy Wonka thought, why shouldn't I make something which will make the age of the people grow older? तो विली वोंका ने सोचा ऐसी सिचुएशन आने के बाद कि क्यों ना मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊं कि ऐसी चीज़ की खोज करूं जो लोगों की उम्र को बढ़ा दे, बूढ़ा बना दे. ठीक है, सो he just tried to collect things from whole of the world and he found out the oldest things which were in the world and which were present in the world even before anything came into this earth. इस अर्थ के ऊपर कोई भी चीज़ आने से पहले जो चीज़ें पुरानी यहाँ पे मौजूद थी उनको पकड़ के और उनसे कुछ कुछ एक्सट्रैक्ट उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया था मिस्टर विली वोंका ने, है ना. यही किया था ना, अपने ग्रेट ग्लास एलिवेटर में बैठे और फिर कहाँ गए थे? पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, ब्रिसलकोन पाइन ढूंढा था नेवाडा से, है ना, यूएसए नेवाडा से. और क्या ढूंढा था? एक क्रम्पेट्स नाम की कैट थी जिसके विस्कर्स लिए थे, है ना, और एक 36 years old cat थी वो, you remember? And a flea which used to stay on that cat, he took that flea also. He took the knuckle bones of the 700 years old cataloo from Peru and so on. Then he took a 200-year-old tortoise egg, which was the tortoise of the king of Tonga. ठीक है, तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, at least 10 of them he collected. Then now he will start beginning the invention of the product which is Vita Wonk. ये वोंका-वाइट का opposite होने वाला है बेटा. वोंका-वाइट पीते ही तो एज क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है. बट Vita Wonk पीने के बाद इंसान की उम्र बड़ी होगी. ठीक है, तो ये उसने एक ऑप्शन ढूंढा था कि अगर ज़्यादा छोटे हो जाएंगे तो ये पी के वापस से बड़े हो जाएं. नाउ in this part of the chapter we are going to discuss the first question answer part which is comprehension. जो part हमने पढ़ा था अभी part 1, we will discuss the question answers related to that part. Then we will again read the story and then we will do the question answers of the remaining part of the chapter. ठीक है, अभी ये जो हम comprehension कर रहे हैं, कुछ question answers कर रहे हैं, ये part 1 के हैं, है ना. उसके बाद हम दोबारा और कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद हम और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है, सो कम अलोंग. आई हैव ऑलरेडी समराइज पार्ट 1 इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ. अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और जो समरी मैंने अभी बताई थी ये इसलिए बताई थी ताकि क्वेश्चंस के आंसर आप तुरंत से दें मेरे को. ठीक है, चलो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. द फर्स्ट वन इज चूज द राइट आंसर. So here we have some options, and from these options we have to take the correct one. So we will begin with the question number 1. Come, let's see what it is. Mr. Willy Wonka is. Who is Mr. Willy Wonka? I told you just a couple of minutes back. अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, मिस्टर विली वोंका कौन थे? A cook. Was he a cook? वो कोई बावर्ची थे, खाना बनाते रहते थे. Or he was an inventor. या वो कोई इन्वेंटर थे, खोज करने वाले थे. Or he was a manager. या कहीं पे वो एक मैनेजर थे. ऐसा था क्या? What was he? Yes, he was an inventor. ठीक है, वो एक खोजी या आविष्कार करने वाले इंसान थे. So the answer is he was an inventor. ठीक है, खोज करते थे ना मिस्टर विली वोंका. All right, let's see the second one. Wonka-Vite makes people. I told you, अभी बताया था ना, वीटा वोंक तो वो बनाना चाह रहे हैं. पहले उनके पास क्या है बना हुआ? Wonka-Vite. ठीक है, ये Wonka-Vite क्या था? उम्र को छोटा कर देता था, इवन इन माइनस 87 हो गया था ना एक इंसान, माइनस 87 ईयर्स ऑफ एज, है ना, तो छोटा कर रहा है. सो Wonka-Vite मेक्स पीपल. लेट्स सी द ऑप्शंस. ओल्डर, बड़ा बनाता है, या यंगर, या छोटा बनाता है. यस, द करेक्ट आंसर इज यंगर. ऑल राइट, Wonka-Vite पीने से उम्र कम होती है, और वीटा वोंक जो वो बनाने वाले हैं उसके देखते हैं क्या होता है, कुछ होता है या नहीं होता है उसका असर. वी आर गोइंग टू रीड इन द नेक्स्ट पार्ट. ऑल राइट, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. मिस्टर वोंका वॉन्ट्स टू इन्वेंट अ न्यू थिंग विच विल मेक पीपल. अब मिस्टर विली वोंका नाउ वॉन्ट्स टू मेक समथिंग न्यू विच विल मेक पीपल वॉट? टेल मी. एक चीज़ उनके पास है जिसका नाम है Wonka-Vite, उसको पीने से तो उम्र छोटी हो रही है. नाउ ही वॉन्ट्स टू मेक वीटा वोंक. तो अब इससे क्या होगा, उम्र छोटी होगी या बड़ी होगी? बिल्कुल सही बेटा, यंगर और ओल्डर. सो द आंसर विल बी ओल्डर. ठीक है, यंगर तो किससे हो रहे हैं? ऑलरेडी हमारे पास ड्रिंक है ना Wonka-Vite, उससे हम क्या हो रहे हैं? यंगर. सो ओल्डर अब किससे होंगे हम? वीटा वोंक से, जो वो बनाने वाले हैं. ठीक है, सो द आंसर इज ओल्डर. यंगर किसको पी के हो रहे हैं यंगर? यू रिमेंबर, इट वॉज Wonka-Vite. ठीक है, और अब जो वो बना रहे हैं ओल्डर होने के लिए, उसका क्या नाम होगा? वीटा वोंक. ठीक है, ऑलराइट, ये याद रखना बस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन एनीवन्स एज बी अ माइनस नंबर? हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस? मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि किसी की उम्र माइनस में हो. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ सच थिंग. What does minus 87 means? Minus 87 का मतलब क्या है? Obviously, I have explained this in the previous part of the chapter that there is a number line. All right? एक number line होती है बेटा, जिसमें इधर तो क्या होते हैं? Minus digits and here they are plus ones. ठीक है? और यहाँ पे ये होते हैं, देखो. ऐसे ही होता है ना? 1, 2, 3, 4, 5 and so on, है ना? और यहाँ पे क्या होता है? What happens here? It comes into -1, then -2, then -3 and so on. ठीक है? Now this counts in this way. Here -87 means what? -87 का क्या मतलब होता है बेटा? यहाँ पे हम अगर -87 ले रहे हैं तो उसको 0 तक आने में, 0 means from where we are born, जब हमारी एज स्टार्ट होती है, 0 तक आने में कितने साल लग जाएंगे बताओ? यहाँ से हम 0 तक आ रहे हैं, how many years it will take? Of course it will take 87 years to start our life. ठीक है। तो इस चैप्टर में एक जो आदमी था वो -87 एज का हो गया था। अब 87 ईयर्स उसको लगेंगे बॉर्न होने में, इस दुनिया में वापस आने में, ठीक है। सो दिस वॉज वॉट ऑल ही वॉज टॉकिंग अबाउट, बट आई डोंट थिंक दिस हैपन्स। ऐसा मुझे नहीं लगता होता है रियल में, इन एक्चुअल सिचुएशन। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ सच थिंग्स एंड आई नो यू ऑल मस्ट हैव ऑल्सो नॉट हर्ड। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने भी ऐसा तो कुछ नहीं सुना होगा कि किसी की एज माइनस में चली जाए। सो लेट्स टेक द आंसर। नो, एज कैनॉट बी इन माइनस। माइनस में एज तो हो ही नहीं सकती। एज कैनॉट बी इन माइनस, ठीक है, बिकॉज फ्रॉम द डे व्हेन वी आर बॉर्न इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ठीक है। बिकॉज वी ऑल स्टार्ट ग्रोइंग अप फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न, क्योंकि जब से हम जन्म लेते हैं इस दुनिया में तभी से हम बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो माइनस में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एवरी टाइम इट विल बी प्लस प्लस प्लस। -87 मीन्स द मैन इज 87 ईयर्स बैक टू हिज एक्चुअल एज, ठीक है। -87 ईयर्स मतलब कि वो 87 ईयर्स पीछे हो गया है अपनी एक्चुअल एज से। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स टेक द थर्ड वन। Mr. Wonka begins by asking himself two questions. You remember he was asking himself two questions, and then all of a sudden Charlie replied his answer, है ना। वो बैठा बैठा सोच रहा था, अपने आप से पूछ रहा था कि कौन सी चीज़ दुनिया में सबसे पुरानी है, कौन सी चीज़ सबसे पहले आई थी, है ना। ऐसे वो कुछ सोच रहा था ना। फिर चार्ली ने ऑल ऑफ अ सडन क्या आंसर दिया था? दैट इट इज़ अ ट्री, है ना। वो वाले क्वेश्चंस वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। सो मिस्टर वोंका बिगिंस बाय आस्किंग हिमसेल्फ टू क्वेश्चंस। व्हाट आर दे? नाउ व्हाट वर द टू क्वेश्चंस ही वाज आस्किंग हिमसेल्फ? वो दो क्वेश्चंस कौन से थे जो वो खुद से पूछ रहे थे? लेट्स टेक द फर्स्ट वन। व्हाट इज डैश? तो आप अपनी बुक से देख सकते हो, एंड इफ यू रिमेंबर यू कैन आंसर इट। फर्स्ट क्वेश्चन विच ही वॉज आस्किंग टू हिमसेल्फ वॉज व्हाट is the oldest thing in the world? What is the oldest thing in this world? सबसे पुरानी चीज़ इस दुनिया में कौन सी है? This was his first question to himself. Then the second question which he was asking to himself was, what lives dash dash dash? So the answer is, what lives longer than anything else? इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी भी चीज़ से ज़्यादा साल तक जिंदा रहती हो? इट मीन्स ओल्डर, ठीक है। जितनी ज़्यादा उम्र होगी उतनी ही ज़्यादा वो जिंदा रहेगी ना। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच ही वॉज आस्किंग टू हिमसेल्फ। I hope you understood this comprehension part of this chapter. Now we will discuss the next part of this chapter and the remaining part. So come along, we will start with the next part. Until then, everybody of you, take care. Have a great day, beta.